Hi everyone, welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for the channel, and this is a reaction video. And ये reaction CD के ऊपर नहीं है, ये reaction एक ऐसी controversy के ऊपर है जो अभी बीच में शांत हुई थी लेकिन अब फिर से start हो गई है. मिलती हूँ अपने एक छोटे से intro के बाद, कहीं मत जाइएगा. And yes, ये बहुत unbiased reaction है, तो जो लोग favoritism लेकर के आए हैं या एक side का या side B का, वो ये video ना देखें. अभी से ही बोल दे रही हूँ. Oh hi, it's me again. I missed you. You remember me, right? I'm back. और मेरे वीडियोस कम आने का कारण ये है कि मैं बहुत काम कर रही हूँ, बिजी हूँ. एटलीस्ट मार्च तक तो बिजी हूँ, मिड ऑफ द मार्च आप कह सकते हो मैं बहुत बिजी हूँ. उसके बाद में फ्री हो जाऊंगी, लेकिन उसके बाद भी एक और बड़ा काम है, वो भी करना है, उसके लिए भी थोड़ा सा बिजी रहूंगी. पर ट्राई करूंगी कि वीडियो लाती रहूं, बीच बीच में बिल्कुल भी सन्नाटा ना रहे मेरे चैनल पर. तो मेरा आज का वीडियो आप लोग को बाय टाइटल पता चल गया होगा कि लखनीत और अर्जुन रावत, भामों की दुनिया, रिस्की रिकी, इन सब की जो कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है उसके ऊपर है. एंड यहाँ पर हुआ क्या है मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो समझ में नहीं आता, क्योंकि इन लोगों की जो कंट्रोवर्सी है वो जन्म लेती है इनके कमेंट सेक्शन से हर बार हमेशा. ये खुल के कभी भी कुछ नहीं बोलते, खुल के अगर कुछ बोलना होता है तो वो भम्मू के दुनिया की जो है क्रिएटर, उनके चैनल पर आपको दिख जाएगा, थोड़ा बहुत हिंट हिंट में बोलते हैं. तो अभी क्या हुआ कि पिछले दिनों इनकी कंट्रोवर्सी चल रही थी एंड बाहर वाले अपनी रोटियां सेकना स्टार्ट किए ही थे कि जब हमने अपने चैनल से बहुत ही विनम्र निवेदन इनके परिवार से किया कि उस चीज़ को आप शांत करें. ठीक है, बहुत तारीफों के पुल बांधे थे मैंने लखन के, बहुत तारीफों के पुल बांधे थे मैंने कीर्ति के, सब कुछ शांत हो गया. एंड उसके साथ ही हमारे चैनल से भी रिएक्शन आने बंद हो गए. लेकिन फिर क्या हो गया कि अभी फिर से चालू हो गया है, सारी शांति रह रही थी और जो छोटा तूफान है इनके घर का टॉर्नेडो, वो शिमला मसूरी कहीं घूम रहा था, मतलब कहीं पहाड़ों पे घूम रहा था वो. और बीच में फिर इनका ऑपरेशन हुआ, हंसते खेलते गई, इन्होंने अपना ऑपरेशन कराया. उसके बाद छोटा तूफान एक रील आती है जो इनके व्हीलचेयर को लेके छोटा तूफान दौड़ रहा है. और उसके बाद रिस्की रिकी नाम के चैनल पर एक वीडियो आता है जहाँ पे वो क्लैरिफाई करता है बाऊजी वाली बात. ठीक है, वहां से धीरे 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 कंट्रोवर्सी को हवा मिलनी शुरू हुई. यूं 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 कि लखन ने झूठ बोला, ये किया वो किया, क्योंकि उसने बाकायदा प्रूफ दिखाया कि उस वक्त जिस वक्त बाऊजी आए थे उस वक्त लखन का स्टेटमेंट अलग था और उसके बाद लाइव में स्टेटमेंट जो मैंने खुद भी सुनाया कि अलग था, कि मैं पुलिस थाने में था, ये था वो था. फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं भाई, वो जहां रहता है वहां पे हो सकता है पुलिस थाना रहा हो, वो वहां पे रहा हो, लेकिन स्टेटमेंट काफी अलग था. है ना, जो कहते हैं ना दिल को खुश रखने को गाले भी ख्याल अच्छा है, कि हाँ चलो ठीक है भाई वो वहां पे रहा होगा, कोई पुलिस का केस हुआ होगा, उसके पहले वो घर पे व्लॉगिंग कर रहा होगा, उसके बाद वो पुलिस थाने में रहा होगा, इसलिए उसको पहुंचने में थोड़ा लेट हुई. और उसके बाद कंट्रोवर्सी इस तरह से चालू हुई कि लखन ने इनडायरेक्टली अपने फादर के ऊपर ये इल्जाम लगाया है कि उन्होंने उसके दादाजी को, मतलब बाऊजी को, ठीक से ट्रीट नहीं किया और कुछ 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 इस टाइप का. अब आपको ये सारी चीजें इन लोग के चैनल पे नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये सब कुछ जो एक्सीडेंट होते हैं इनके यहाँ पे, ये सारे कमेंट सेक्शन में होते हैं. तो उसके बाद ये चल रहा था, तो फिर वहीं यहाँ से भी रिएक्शन आना चालू हुआ, तो ऑब्वियसली सामने वाला चुप नहीं बैठेगा. हमने अपने चैनल पे पहले भी ये वाली बात बोली थी कि कोई भी बच्चा अपने माँ बाप के लिए ऐसी हरकतें नहीं कर सकता. उस वक्त ये बात मैंने लखन के लिए बोली थी और आज मैं ये बात अर्जुन रावत जी के लिए बोलती हूँ कि वो अपने पिताजी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे. तो अगर कमेंट सेक्शन में इस टाइप के कमेंट्स आ रहे थे तो इनकी फैमिली की, चाहे वो लखन हो, चाहे वो नीतू हो, चाहे वो कीर्ति हो, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपके फैमिली में आपके फादर का नाम खराब करने की लोग अगर कोशिश कर रहे हैं तो उसको आप ब्लॉक करें. क्योंकि मैंने इनके लिए भी ये वाली बात बोली थी जब भम्मू के साइड से ये वाली बातें उठी थी कि हमारे यहाँ हेट कॉमेंट्स पे करके लखन करवा रहा है. उस वक्त भी मैंने बोला था कि वो डाइजेस्ट होती नहीं है ऐसी बातें, कोई भी लड़का अपनी माँ के लिए. तो ऑब्वियसली मेरा सेम स्टैंड है इनके फादर के लिए भी, कि वो अपने फादर के साथ ऐसा कुछ नहीं कराएंगे. रिस्की रिकी ने सारी चीजें क्लियर कर दी थी अपने वीडियो में. लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि किसी ने ऐसा बोल दिया कि अर्जुन रावत, और ये सारी चीजें कॉमेंट सेक्शन में हो रही, सबसे बड़ी शॉकिंग बात ये है, अर्जुन रावत जी ने बोल दिया कि लखन तो कीर्ति को यूज कर रहा है, इसलिए अपने पास रखा है. यूज कर रहा है इन द सेंस कि जब वो वीडियो में आती है तो लोगों को बहुत पसंद आती है वो वीडियो, तो उस पर ज्यादा व्यूज आते हैं तो इनके डॉलर्स बनते हैं, ये सेंस में. जबकि
अर्जुन रावत जी ने इस चीज को सिरे से नकार दिया। अच्छा, लेकिन कमेंट करने वाले, अब तो सोचना पड़ता है कि कमेंट कौन कर रहा है या कौन करवा रहा है, कौन घुसा है इनकी फैमिली में इतना ज्यादा कि कमेंट जाता है कीर्ति के चैनल पर, जहां पे वो लिखा हुआ है कि आपके फादर कह रहे हैं कि लखन आपको यूज कर रहा है। उसका जवाब देती है इनकी बेटी कीर्ति रावत, इतना बड़ा एक जवाब देती है, यहाँ पे लगा देंगे। मुझे भी कहीं से मिला है, सोशल मीडिया से ही मिला है, तो आप लोग देख सकते हैं, आपको पता होगा कहाँ से मिला। ये कमेंट करती हैं वो, और 15 सेकंड आप देख सकते हैं वहां पे लिखा हुआ है, ऊपर हार्ट बना हुआ है। इसका मतलब इन्होंने ही खुद कीर्ति ने ही ये स्क्रीनशॉट लिया है। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट पहुंचता है बहुत सारे चैनल्स के पास, बहुत सारे वीडियोज बनने लगते हैं और इस कॉन्ट्रोवर्सी को बड़ा करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, यहाँ पे सीन ऐसा बाद में समझ में आया कि ये कमेंट तो इन्होंने भाई अपनी स्टोरी में लगा रखा था, वहां से सबने उठा लिया। ठीक, तो उससे क्या हुआ, उससे क्या इनकी गलती कम हो गई? इन्होंने अगर ऐसा कमेंट किया, उसका स्क्रीनशॉट लिया, वहीं से पता चल जाता है कि इनकी मंशा जो थी थोड़ा सा ठीक नहीं थी। अपने फादर के स्टेटमेंट को ये काउंटर करना चाहती थी, ये बोलना चाहती थी कि नहीं, मेरा भाई मुझे यूज नहीं कर रहा है, मैं अपनी मर्जी से अपनी खुशी से यहाँ पर आके रह रही हूँ। राइट, ये चीज ये अगर वीडियो में बोल देती तो उसका स्क्रीनशॉट उठा के 10 चैनल्स उसके ऊपर वीडियो नहीं बनाते, बट इन्हें छापना था स्टोरी में। नाउ व्हेन यू हैव अ गुड फॉलोइंग ऑन इंस्टाग्राम एंड यू टाइप अ स्टोरी एंड यू पुट अप समथिंग देयर, जैसे कि आपने स्क्रीनशॉट डाला, भले 2, 3, 4, 5, 10 मिनट के लिए डाला, उतनी देर में वो पता नहीं कितने हजार लोगों के पास पहुंच जाता है। ठीक, ताकि उसका मिसयूज हो सके। और आप इतने दिन से सोशल मीडिया पे हैं, जब आप ऐसा करने जा ही रही थी तो आपको या तो डिलीट नहीं करना चाहिए था, अगर आपने डिलीट कर दिया है तो आपको जो सपोर्ट कर रहे हैं एटलीस्ट जाके उनको बोलिए कि वो इस चीज के ऊपर रोटियां ना सेकें, क्योंकि जिस पल आपने वो चीज डिलीट कर दी अपनी स्टोरी से, उसका मतलब कि आपको रियलाइज हो गया कि आप गलत थी यहाँ पे, इससे बवाल हो सकता है। तो इसका मतलब आपने ये सारी चीजें इंटेंशनली की हैं। ठीक, तो यहाँ पे कीर्ति गलत है, यहाँ पे लखन गलत है, क्योंकि लखन गलत है कि नहीं है वो तो भाई उन्होंने तो शायद डिलीट करवा दिया बोल के, या नीतू ने डिलीट करवा दिया बोल के, बट ये जो साइलेंट आप लोग की कोल्ड वॉर चल रही वो समझ में आ रही है, और यहाँ पे आप लोग गलत हैं। अच्छा, अब यहाँ पे अर्जुन रावत जी की लाइव अगर आप कल देखेंगे, अगर आपको बॉडी लैंग्वेज पढ़नी आती है तो आप देखेंगे कि लाइव स्टार्ट हुई है जब, तो वो थोड़ी देर के लिए जब वो कुछ बोल नहीं रहे थे बट वो दिख रहे थे लाइव में, उस वक्त उनकी बॉडी लैंग्वेज अगर आप देखेंगे तो बहुत टेंशन में थे, वो बहुत परेशान थे, वो बहुत दुखी लग रहे थे। जैसे एक इंसान का एक ऐसा होता है ना स्टेज, जहाँ पे उसको पता ही नहीं कि मैं करूँ क्या, बट मुझे करना है, वो उस मंशा से लाइव में आए थे और उन्होंने सारी चीजें क्लैरिफाई की, बार बार क्लैरिफाई की। उनका भी एक चैनल है, ये पूरी फैमिली व्लॉगर है, इसलिए इनकी जो भी लड़ाइयाँ होती हैं कमेंट सेक्शन में होती हैं, वहां से लोग कंटेंट उठाते हैं और उस चीज को बड़ा करते हैं, उसके बाद इन लोग परेशान होते हैं। इनके जो फादर हैं अर्जुन रावत जी की बात मैं यहाँ पे कर रही हूँ, उन्होंने बहुत ही अच्छे से अपनी सारी बातें रखी, उन्होंने बताया कि किस तरह से वो बहुत नीचे से ऊपर उठे हैं, किस तरह से उन्होंने अपने बच्चों को सपोर्ट किया है। उन्होंने ये तक क्लैरिफाई किया कि शादी के पहले ही उनका बड़ा बेटा उस घर में रहता था, और उन्होंने बिल्कुल अच्छे से एक्सेप्ट भी किया है कि हाँ, मैं बहुत डांट देता हूँ अपने बच्चों को, तो हो सकता है कि मेरे बड़े बेटे को मेरी डांट ना पसंद हो, ये उन्होंने डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली ये मैसेज दिया है। तो और उन्होंने ये चीज़ बहुत ही साफ साफ शब्दों में बोली है कि शादी के पहले से ही वो अलग रहता था, तो मैंने उसे घर से नहीं निकाला है। और एक सीधी बात है, जब घर से निकाला ही नहीं है तो किसी घर के किसी बच्चे को इनवाइट करना कि आओ हमारे साथ रहो या घर आओ, डजंट मेक सेंस। और मुझे भी हजम नहीं होती हैं ये सारी बातें कि बच्चों को अपने माँ बाप के घर, ये US नहीं है, ये इंडिया है, यहाँ पे आप विदाउट अपॉइंटमेंट अपने माँ बाप से मिलने कभी भी किसी भी टाइम जा सकते हैं, उनके साथ रहने भी जा सकते हैं। अब अंदर की बात क्या है वो मुझे नहीं पता, लेकिन जो बाहर आई है मैं सिर्फ उसकी बात कर रही हूँ। इन्होंने ये भी बोला कि किस तरह से ये जीरो से ऊपर उठे हैं, बहुत दुख हुआ जब बता रहे थे कि मेरे फेस का ये जो यहाँ पे इतनी टैनिंग हो गई है, ये सब काला हो गया है, वो इसलिए क्योंकि मैं सड़क पे स्कूटर लेके दौड़ता था। किसके लिए दौड़ते थे? इन्हीं बच्चों के लिए दौड़ते थे। किसके लिए 7 साल अपनी वाइफ से और बच्चों से और सबसे अलग रहे हैं? इन्हीं बच्चों के लिए। ठीक है, उन्होंने एक चीज बोली, ये बोला कि मैं भी अगर नहीं कर रहा होता बिजनेस, अगर मैंने अपने बिजनेस को इतना बड़ा ना किया होता या मैंने इतनी मेहनत ना की होती, तो आज मैं भी गाँव में
खेतों में काम कर रहा होता है। यहाँ पे खेतों में काम करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जिस टाइप का इन्होंने मेहनत किया, जिस टाइप की लग्जरी इन्होंने अपने बच्चों को दी है, और इनकी लाइफ से बहुत ही एविडेंट था कि अभी भी अपने माँ बाप होने का फर्ज बाखूबी निभा रहे हैं, कि अपने बच्चों को, बाकी के जो इनके दो लड़के हैं उनको भी सेटल कर रहे हैं। एक के लिए गोवा में कुछ काम कर रहे हैं और दूसरे के लिए भी ये कुछ काम कर रहे हैं। इनफैक्ट यहाँ तक कि होने वाली बहू, जिसको मैं छोटा टोर्नेडो तूफान कहती हूँ, उस तक का बिजनेस इन्होंने चालू करा दिया है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो लड़की, इनकी बेटी है कीर्ति, किसी बात पे अपने माँ बाप से बहुत गंदे तरीके से नाराज है, क्या इसको सेटल नहीं करवाया होगा? बिल्कुल सेटल करवाया होगा। उन्होंने अपनी लाइफ में ये वाली बात बोली भी कि उसको मैंने बिजनेस सेटअप करके दिया है ना। तो माँ बाप तो अपना फर्ज बहुत अच्छे से निभा रहे हैं, लेकिन ये जो दो बच्चे बागी हुए पड़े हैं, जो अलग जाके रह रहे हैं, जो इस तरह के काम करते हैं कि माँ बाप को आकर के सोशल मीडिया पे सफाई देनी पड़े, मुझे ये चीज यहां पर, इस जगह पर, ये दोनों ही बच्चे इस वक्त गलत लग रहे हैं। सोशल मीडिया पे होने का, व्लॉगर होने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आप बहुत सारे स्ट्रेंजर्स को अपनी लाइफ में इनवाइट कर लेते हैं, वो पर्सनली आपके ऊपर यू नो आके बड़े एक्सपर्ट कमेंट्स करते हैं, वीडियो भी बनते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन कहीं ना कहीं जब वो वीडियो बना रहे होते हैं बहुत से लोग, तो वो एक उनके दिमाग में ना एक ये रहता कि नहीं ये सही है और ये गलत है, वो गलत को गलत और सही को सही नहीं बोल पाते, और एग्जैक्टली वही हो रहा है जिसके कारण इनके यहाँ की लड़ाई बहुत बड़ी हो रही है। बहुत बुरा लगता है देख करके कि एक आदमी, यहाँ पे मैं अर्जुन रावत जी की बात कर रही हूँ, जो बहुत ही बार बार उनका भी चैनल है, लेकिन उस चैनल पर वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते, और रहते भी हैं तो उधर भी वो ट्रोल हो ही जाते हैं। खैर कोई बात नहीं, मैंने भी उनको समझाया था लेकिन मैंने ट्रोल नहीं किया था। बट बुरा लगता है एक ऐसे पिता के लिए जिसको बार बार आके जिसको नहीं ज़रूरत वाईटी के पैसे की, लेकिन फिर भी क्योंकि उसके सारे बच्चे वाईटी पर हैं, सारे बच्चों ने वाईटी पे मिल करके कुछ ना कुछ रायता फैला रखा है, आके उस इंसान को बार बार अपने आप को क्लैरिफाई करना पड़ता है और रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि मेरे बच्चों के लिए कुछ भी बुरा मत बोलो। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि अर्जुन रावत जी जो हैं वो अपने बाप होने का फर्ज बाखूबी निभा रहे हैं, उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी अपने बच्चों को खड़ा करने के लिए। इनके बच्चों से मैं इतना ही बोलना चाहूंगी, स्पेशली इस वक्त मैं कीर्ति की बात कर रही हूँ जिसने ये कॉमेंट करके इतना बड़ा रायता फैला ही दिया है वाईटी पे, उनसे मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आप एक बेटी होने का फर्ज निभा रही हैं? चलो मान लिया कि आपकी होने वाली भाभी ने आपको बैंक करप्ट बोल दिया, ये सारे सवाल मेरे यहाँ भी उठेंगे, मेरे कमेंट सेक्शन में भी उठ सकते हैं। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि बैंक करप्ट क्यों बोला? क्या आप लोगों को उसका रूट कॉज पता है? अगर आपको उसका रूट कॉज नहीं पता है तो क्या आपने इन लोगों से जाके रिक्वेस्ट की कि प्लीज बताओ, है ना? क्योंकि ऑब्वियसली अगर मैं कहीं पे गलत हूं लेकिन मैं देख रही हूं कि 10 लोग मुझे अच्छा मान रहे हैं, तो मैं उसका रूट कॉज नहीं बताऊंगी कभी, ठीक, ताकि अगला नेगेटिव होता चला जाए। इनकी सैंडी कैंडी के लिए मेरे पास भी कोई पॉजिटिव वाइब्स नहीं आती है, मुझे भी वो मतलब ऐसी लगती है कि फायदा उठाएगी और निकल लेगी, वो भी अगला भी उनके घर में ऐसी ही कहानी लिखी जाने वाली है जब उनके दूसरे बेटे की भी शादी हो जाएगी। क्योंकि ये जैसे कि इन्होंने बोला, मुझे डांटने की आदत है, मैं डांट देता हूँ, और इनकी जो वो पेशाब वाला जो इनका कमेंट था, मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लगा था, इनफैक्ट आज तक बुरा लग रहा है। लेकिन बार बार जब मैं देखती हूँ ना कि दिल से तो बुरे नहीं है ना बम्मू ना अर्जुन रावत, अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। भम्मू को मैंने बोला था कि कमजोर कड़ी है अपने घर की, छोटा बच्चा उनके अंदर का जो है अभी तक जीवित है, वो कहते हैं उस बच्चे को जीवित रखना भी चाहिए, तभी तो घर में सब लोग हंसते खेलते रहते हैं, तो वो एक अच्छी चीज है। लेकिन वो जो कभी कभी मेच्योरिटी की जो कमी आ जाती है ना उनके अंदर, उनको कोई भी यूं चुटकियों में ना, ऐसा है कि जैसे बच्चे होते हैं ना मासूम से, थोड़ा सा प्यार कर दो, दुलार कर दो, तो वो बोलेंगे यही बेस्ट फ्रेंड है मेरा, ये वैसी है। दिल की बुरी नहीं है, जानवरों से प्यार करने वाले लोग कभी दिल के बुरे नहीं होते, ये बात कहीं पे भी आप देख लीजिएगा। अच्छा, अब यहाँ पे मैं कीर्ति और अर्जुन लखन को बिल्कुल गलत बोलूंगी कि आप लोगों के पास अगर इस तरह के कमेंट आते हैं, ठीक है, और अगर आप लोग, और ये मैं अर्जुन जी को और भम्मू को भी बोलूंगी और उनके सारे परिवार में जितने भी व्लॉगर्स हैं सबको बोलूंगी, जब आपके पास इस तरह के कमेंट आते हैं जहां पे आपकी फैमिली पीस के लिए वो खतरा हो सकते हैं, तो आप लोग उसको डिलीट क्यों नहीं करते? यहाँ पे कीर्ति गलत ही इसलिए है, जिस पिता ने आपको पाल पोस के इस लायक बनाया कि आज आप बहुत ही यू नो हाईफाई सोसाइटी में रहती हैं, आप एक हाईफाई ब्रांड की ओनर हैं, वो बिजनेस उन्होंने आपको सेटअप करके दिया है, उन्होंने हर वो काम किया जो उनको करना चाहिए था। सिर्फ एक गलती उनकी ये हुई होगी शायद कि जब
छोटे तूफान ने, टोर्नाडो ने, सैंडी कैंडी ने आपको बैंकरप्ट बोला, तो उन्होंने आपका पक्ष नहीं लिया। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये सीन पूरा क्या है बैंकरप्ट का, कि इतना क्या हुआ, क्योंकि ये कोई छोटी चीज नहीं। अगर वो लड़की इतना चिड़ी हुई है तो उसके पास भी कुछ ना कुछ सॉलिड रीजन होगा। तो मैं चाहती हूँ कि आप प्लीज बताएं, और इसने बैंकरप्ट बोला है तो इसके पास भी सॉलिड रीजन होगा। लेकिन पूरे YT पे किसी को भी नहीं पता कि वो लड़ाई और वो बैंकरप्सी का उसने जो स्टेटमेंट पास किया इसके लिए क्यों किया, क्योंकि उसके कारण क्या हुआ है कि वो घर छोड़ के चली गई है और वो ऐसे ऐसे काम कर रही है, उसके पिताजी को आके बार बार सोशल मीडिया पे स्ट्रेंजर्स को क्लैरिफाई करना पड़ रहा। तो यहाँ पे मैं ये जो देख रही हूँ, इतना बड़ा, इतना सब कुछ मैं देख रही हूँ, वहां पे मुझे माँ बाप तो गलत नहीं नजर आ रहे। माँ बाप का जो फर्ज होता है वो बाकायदा उन्होंने सबका निभाया है और इनका भी निभा रहे हैं, लेकिन मुझे बच्चे बड़े बागी नजर आ रहे हैं। एंड ऑनेस्टली मैं अगर बहुत एक स्ट्रांग स्टेटमेंट पास करने जा रही हूँ, ऐसे बच्चे होना तो दुश्मन की जरूरत नहीं है। हम लोग कहते हैं कि जमशेद जी टाटा जो थे वो कितने मेहनती थे, उन्होंने साइकिल पे कुछ कुछ चीजें बेचनी शुरू की और आज देखिए कितना बड़ा है हर जगह टाटा। आप बाहर निकलते होंगे रोड पे, आपको टाटा का कुछ ना कुछ दिख जाएगा, कोई गाड़ी दिख जाएगी। आप ग्रोसरी शॉपिंग जाएंगे वहां पे भी आपको टाटा के प्रोडक्ट्स दिख जाएंगे, टाटा क्लिक दिख जाएगा अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे। तो इतना फैला लिया उन्होंने अपना बिजनेस। हम बोलते हैं कि वाह देखो कितनी बड़ी इंस्पिरेशन है, राइट? पर हमने किसी ने जमशेद जी टाटा को वो फेस से गुजरते हुए नहीं देखा, राइट? है ना, मैं आपको बताती हूँ ऐसे बहुत सारे जमशेद जी टाटा रहे होंगे, है ना, लेकिन उनके बच्चे जब अगर खराब निकल जाएंगे ना, तो वो इस जगह पे, जिस जगह पे आज टाटा है उस जगह पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो अर्जुन रावत जी जो हैं, आप उनको जीता जागता एग्जांपल ले सकते हैं कि बहुत नीचे से, बहुत जीरो से स्टार्ट करके उन्होंने इतनी सक्सेस पाई, अपने हर बच्चे को उन्होंने सेटल किया है। लेकिन उनके बच्चों को आप देख लीजिए, जिस तरह से अपने बाप को वो लोग हर वक्त मजबूर करते हैं कि वो लाइफ आए क्लैरिफाई करें और बताएं कि भम्मू उनकी जो वाइफ है, जो छोटा बच्चा है उनके घर का एक्चुअली, वो क्यों चैनल चला रही हैं। और ये बात बिल्कुल साफ है कि उनको सीरियसली पैसे की जरूरत नहीं है, दिखता है कि नहीं है। नहीं, उनका YouTube नहीं चलेगा, YouTube से किसी ने आज तक विला नहीं बनाया इतना बड़ा, बनाया भी होगा तो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन इनका विला इनके पैसे से बना हुआ है, राइट? एंड एवरीबडी नोज इट। यूट्यूबर्स ने एक एक विला बनाए होंगे ना, ये तो पता नहीं कितनी विला बना रहे हैं। तो गोवा में भी अपने बेटे को सेटल करके करने के लिए इतनी विलास बना रहे हैं, इतना कुछ प्रोजेक्ट इनका चल रहा है। इनको क्या जरूरत है YT के पैसे की, इनको क्या जरूरत है आके बार बार इस तरह से। तो मैं इन लोगों को यही बोलूंगी, देखो भाई किस्मत से आपको दिए हैं ऐसे माँ बाप, इतने मेहनती आपके पिताजी हैं, इतनी आपकी माँ। मैंने इन लोगों का एक वीडियो देखा था जहाँ पे वो बता रहे थे कि भम्मू कैसी हैं, कैसे लोगों को जोड़ के चलने वाली ये वो। तो अगर उनको थोड़ा सा अटेंशन चाहिए था तो दे देना चाहिए था, इस तरह से घर ना टूटता, है ना। घर टूट गया, लड़ाइयां होती, कमेंट सेक्शन में होती, लोग इतना फायदा उठाते, इतना फायदा उठाते, एक कमेंट लेंगे उसके ऊपर मट्टी का तेल डाल के हवा दे देके उसको इतना बड़ा करके जला देंगे। बट कहीं ना कहीं एक एक जो भम्मू और पाई है ना, ये लोग, इन लोगों के जितने भी, इनके बच्चों के जितने बच्चों के इनके सब्सक्राइबर होंगे, उनके माँ बाप की उम्र के हैं। आप एक ऐसे कपल को परेशान कर रहे हैं जिसको अभी इस वक्त इन सब चीजों में पढ़ने की जरूरत है नहीं, लेकिन आप लोग डाल रहे हैं। कारण कौन है? इनके बागी हुए दो बच्चे, जो अब मुझे गलत लग रहे हैं। गलत हैं तो गलत है, जहां पे वो सही है तो मैं बोलूंगी वो सही है, ठीक, और जहां पे वो गलत है तो मैं बोलूंगी कि गलत है। तो मैं एक बार फिर से इनके बच्चों से एक विनम्र निवेदन करूंगी कि अपने माँ बाप को इस तरह से सोशल मीडिया पे नीचा ना दिखाएं, इस तरह से डिमीन ना करें उनको, क्योंकि वो बहुत मेहनत वाले लोग हैं, वो दिखता है, और जो दिखता है ना वो दिखता है बस। अच्छा, कई लोगों का कहना है कि कीर्ति को ऐसा बोला, कीर्ति का स्टैंड नहीं लिया, सैंडी के आगे ये नहीं होनी। पूरी कहानी पहले आप लेकर आइए बाहर कि उस दिन क्या हुआ था, क्यों हुआ था, कैसा हुआ था, जब वो घर छोड़ के गई उससे पूछिए कि वो घर छोड़ के क्यों गई। ऐसी इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन के ऊपर आप ब्लेम गेम नहीं खेल सकते। यहाँ पे गलत है वो तो गलत है। जिस पल, जिस सेकेंड एक लड़की ऐसा कमेंट करती है और उसका स्क्रीन शॉट भी ले लेती है अपने ही यूज के लिए, क्योंकि स्क्रीन शॉट इसी ने लिया है, हार्ट का वो आ रहा है बन करके, तो वो उसी के चैनल पर जब वो जाएगी तभी हार्ट का ऑप्शन देता है यूट्यूब कि आप इस कमेंट को हार्ट दे सकते हैं। हार्ट नहीं दिया, लेकिन वहां पे उन्होंने पॉलिटिक्स खेली कि मैं रिप्लाई करूंगी 15 सेकंड के अंदर, मैं इसका स्क्रीनशॉट निकालूंगी, फिर मैं उसको कहां डालूंगी, स्टोरी में। अब बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे जो कहेंगे कि नहीं नहीं उसने तो स्टोरी हटा दी,
आपका ये स्टेटमेंट कि उसने स्टोरी हटा दी 3-4 मिनट के अंदर, ठीक है, तो वो सही हो गई? नहीं, वो सही नहीं हुई। जिस पल उसने स्टोरी के लिए वो कमेंट क्लिक किया, वो उस सेकंड गलत हो गई, और उसने जब स्टोरी डाल के डिलीट की तो उसके ऊपर कंफर्मेशन लग गया कि अब तो भाई ये तो अप्रूव हो गया है कि स्टोरी डिलीट इसलिए की क्योंकि पता था कि यहाँ पे मैं गलत हूं या कुछ गलत हो जाएगा, और वो गलत हो चुका। और वो बहुत इंटेंशनली डाली गई स्टोरी थी कि लोग इसका स्क्रीनशॉट लें और इसके ऊपर कंट्रोवर्सी करें। क्या आप लोगों का काम विदाउट कंट्रोवर्सी नहीं चल रहा? आप लोगों को बहुत प्यार मिल रहा है पब्लिक से, लेकिन उसके बाद भी आप लोग यार ऐसा कर रहे हो, अपने माँ बाप को आप लोग ऐसी हालत में पहुंचा रहे हो कि हर दूसरे दिन आके उन लोग को सफाई देनी पड़ती है, ये अच्छा नहीं लगता देखने में। यहाँ पे आप गलत हैं, और यहाँ पे जो भी आके मुझे बोलेगा कि कीर्ति को ऐसा बोला, कीर्ति को, आप पूरी स्टोरी लेकर आइए, मैं भी सपोर्ट करूंगी। मैं सही को हमेशा सपोर्ट करती हूँ, लेकिन यहाँ पे जो गलत है, मैं सिर्फ एक स्क्रीनशॉट की बात कर रही हूँ, तो वो गलत है। उसने डिलीट करके ये प्रूव किया है कि वो गलत है, ठीक। आप लोगों का अप्रूवल अब नहीं काम करेगा। जैसे ही उसने स्टोरी डिलीट कर दी, इसका मतलब उसको रियलाइज हो गया कि मैंने ये गलत किया है। उसके फादर आए लाइव पर, उन्होंने बहुत सारी चीजें जब क्लैरिफाई करनी चालू की ना बैक टू बैक, बहुत दुख लग रहा था, दुख। वो इंसान के पास इतना काम है, इतना काम है कि वाईटी उसके लिए सेकेंडरी है, लेकिन फिर भी वो वाईटी पर आता है, फिर भी वो स्ट्रेंजर से बात करता है इंसान, फिर भी वो स्ट्रेंजर से बोलता है कि मेरे सारे बच्चे अच्छे हैं, मेरे बच्चों को कुछ मत बोलो। लेकिन बच्चों की हरकत आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। मैं इतना बोलूंगी कि देखो लखन भाई और कीर्ति बहन, माँ बाप का रिश्ता जिंदगी में एक बार मिलता है ना। आपने कभी नहीं सुना होगा किसी को बोलते हो कि मेरी मुंह बोली माँ है, मेरा मुंह बोला बाप है, राइट। तो जब तक ये साथ है ना, चेरिश इट इंस्टेड ऑफ डिमीनिंग इट। चेरिश योर रिलेशंस, चेरिश एवरीथिंग टुगेदर। ये पॉलिटिक्स करने से अच्छा है कि अपने माँ बाप की इज्जत करिए। और कहते हैं ना कि माँ बाप के ही चरणों में तो स्वर्ग है, क्योंकि माँ बाप भगवान का ही रूप है धरती पर, है ना। हम मंदिर में दिया जलाते ना, अगर हम उसकी जगह अपने माँ बाप को हाथ पैर जोड़ लेना, तो भी भगवान उतने ही खुश होंगे जितने खुश वो आपके रोज मंदिर में दिया जलाने से होते हैं। क्योंकि भगवान का कहना है कि मैं हर जगह आपके साथ हो नहीं सकता, इसलिए माँ बाप बनाए, है ना। तो रिस्पेक्ट देम, क्योंकि अगर कभी जिंदगी में डाउनफॉल आया ना, तो रियलाइज कर लेना कि माँ बाप बहुत दुखी हुए थे, बहुत दुखी। बाकी अर्जुन रावत जी को मैं यही बोलूंगी कि जैसे कि आपने बोला है ना, अपने छोटे तूफान के लिए सैंडी कैंडी के लिए, ये पार्ट के लिए सॉरी है सबसे, बोला है ना कि वो तो छोटी सी बच्ची, उसको कुछ नहीं पता, उसको सब कुछ पता है। उसकी बॉडी लैंग्वेज भी आप देख लीजिए, वो हमेशा बड़े डिफेंसिव मोड में ऐसे बैठती है, ऐसे और क्रॉस लेग करके। दिस इज अ वेरी डिफेंसिव बॉडी लैंग्वेज कि हम बहुत इनसिक्योर फील कर रहे हैं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, है ना। तो शी इज नॉट व्हाट यू थिंक शी इज, वो आपको जितनी मासूम लग रही है उससे वो है, थोड़ा अलग है, है ना। क्योंकि जब आपके घर में शांति हो गई थी, फिर आपका छोटा तूफान आया, फिर उसने बम्मू जी के साथ एक वीडियो बनाई व्हील चेयर दौड़ाते हुए, और उसके बाद थोड़े देर के बाद वीडियो आ गया कि हमारे तो बाबू जी का ये, बाबू जी का वो, बाबू जी का ऐसा, है ना। और जो चला गया ना उसको प्लीज। हाँ, एक और चीज बाबूजी से याद आई कि जब मैंने पहले ही बोला था कि लखन अपने माँ के लिए ऐसे कमेंट्स नहीं करा सकता, डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता, भरोसा इस बात पे नहीं होता है, बिल्कुल सिमिलरली मैं यहाँ पे अर्जुन जी के लिए भी बोलूंगी कि अर्जुन जी अपने पिताजी के साथ कुछ भी क्यों करवाएंगे। तो ये जो सारी चीजें है ना, कॉमेंट्स में आग लग रही है या जो भी कर रहे हैं कहीं पर भी, क्योंकि इनके चैनल पे कभी कुछ नहीं दिखता, मैं बोलती हूँ कि अगर आप लोग को कुछ भी बोलना ना, खुल के बोलिए, कॉमेंट खेलना छोड़ दीजिए। जैसे रिकी ने वीडियो बनाया, उसने प्रूफ लगा दिया, आप लोग भी वीडियो बनाइए, प्रूफ लगाइए, सब कुछ करिए, लेकिन अपने माँ बाप को इस तरह से डीमीन सोशल मीडिया पे मत करिए। उन्होंने अपने माँ बाप होने का फर्ज बहुत अच्छे से निभाया है, वरना आज के डेट में जितना कॉम्पिटिशन है, मुझे नहीं लगता कि आप लोग कहीं पे भी स्टैंड करते। आप लोग जहां पे भी आज है, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ योर फादर, है ना, क्योंकि उन्होंने मेहनत की। आपने कभी स्ट्रगल देखा ही नहीं, आपने कभी कंपटीशन देखा ही नहीं, वरना जो ये जो कीर्ति ने जो बेवकूफ़ी की है, वो स्क्रीनशॉट लेकर के स्टोरी लगाई फिर डिलीट किया, स्मार्ट नहीं हो आप, और इससे 10 गुना स्मार्ट है दुनिया। आपके घर के ना टुकड़े टुकड़े करवा देंगे, आप लोग के सबके मुंह अलग अलग दिशा में करवा देंगे। तो प्लीज़ ऐसा ना करो, प्लीज़ रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स एंड सेट अ गुड एग्जाम्पल। आप लोग तो राम जी की पूजा करते हो ना, वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे,
हंसते हंसते वनवास चले गए और वापस आए तो भी बिल्कुल उतने ही प्यार के साथ। तो आप लोग तो राम जी की पूजा करते हो, आप लोग ऐसे कैसे बच्चे हो सकते हो? प्लीज प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट, ये जो गंदगी मची हुई है ना, इसको साफ करिए आप लोग। सॉरी बोलिए आके अपने पेरेंट्स को, क्योंकि उन्होंने आपके लिए सब कुछ किया है जो करना चाहिए एक माँ बाप को। यहाँ पे मैं बिल्कुल अर्जुन जी के लिए स्टैंड ले रही हूँ। पहले मुझे उनका वो जो मेरे पेशाब से पैदा हुआ ये वो वाला, मैं आज भी उस स्टेटमेंट के अगेंस्ट हूँ। मैं आज भी जानना चाहती हूँ, अंकल ये कौन सी टेक्नोलॉजी है, प्लीज बताइए ये टेक्नोलॉजी, ये मेडिकल साइंस का कौन सा पार्ट है जो आपने ऐसा स्टेटमेंट किया? कुछ चढ़ाई हुई थी या क्या था पता नहीं मुझे, बट मैं आज भी उस स्टेटमेंट के खिलाफ हूँ। वो बहुत ही हर्ट करने वाला था, लेकिन अब जो बेटी ने किया वो तो भाई साहब प्रणाम है, प्रणाम है आपको कीर्ति जी, आप बहुत अच्छी हैं। मेरा आज का ये वीडियो इतना ही, बहुत जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। अब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड, एंड आई होप किसी भी ऐसे इंसान ने मेरी वीडियो ना देखी हो जिसका फेवरेट या तो लखन है या तो जिसका फेवरेट अर्जुन है, क्योंकि मेरे कोई नहीं लगते ये लोग। मुझे जो जहां सही लगेगा मैं उसको सही, और जो जहां गलत लगेगा उसको गलत बोलती हूँ, यही मेरा काम है। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड जय महाकाल, लव यू ऑल, बाय बाय। See you.